ये वीडियो मैंने आपको इंटरटेन करने के लिए या एंजॉय करने के लिए या आपको अच्छा लगे इसलिए नहीं दिखाई है। मैं कोशिश करता हूं आपको ऐसे गोशे से कोई पैगाम ला कर के दूं जिस तरफ जहन नहीं जाता है। ये वीडियो भी मैंने इसी नियत से दिखाई है और आपको इस वीडियो में छिपे हुए अहम पैगामात और अहम बातों की जानिब आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं। आपने इस वीडियो में क्या देखा है? इस वीडियो में आपने ये देखा है या ये देख रहे हैं कि ये चूजे यहाँ चुग रहे हैं, कोई बड़े वाले दो परिंदे गिद्ध जैसे आए और एक एक करके इन चूजों को वो निगल गए, हजम कर गए और डकार भी नहीं ली, इस तरह हजम किया है। हमें इस वीडियो से क्या सबक मिला? हमें इस वीडियो से ये सबक मिला कि जब छोटे अपने बड़ों से कट जाते हैं, छोटों पर अपने बड़ों का शफकत और प्यार का हाथ नहीं होता है, तो फिर समाज और मुआशरे में ऐसे जहरीले गुंडे पाए जाते हैं कि उन छोटों को निगल जाते हैं, हजम कर जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। आपने देखा है कि ये छोटे अपनों से कटे हुए थे, इनके माँ बाप या इनकी नस्ल के कोई दूसरे यहाँ नहीं थे, ये उनके समाज से कटे हुए थे, उनसे अलग थे, तो इनके यहाँ के जो गुंडे हैं, जानदार हैं, ताकतवर हैं, वो आए और उनको मौका मिल गया और वो हजम कर गए। सेम यही हालत हमारे समाज और माशरे की है। जिन छोटों के ऊपर बड़ों का प्यार नहीं होता, बड़ों का हाथ नहीं होता, सरपरस्ती नहीं होती, तो समाज में ऐसे बच्चों को, समाज में ऐसे छोटों को उचक लेते हैं बद अखलाक लोग, बद किरदार लोग, और ऐसे लोग जो खुद समाज और माशरे में पहले से बदनाम हैं, वो इनकी भी बदनामी का जरिया बन जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपके सर पर किसी का शफकत का हाथ हो, आप किसी की सरपरस्ती में गुजार रहे हों अपना वक्त, और अपने बड़ों की कदर किया करें। बड़े जब तक मौजूद होते हैं तो बहुत सारी घटाएं, बहुत सारी तारीकियां और बहुत सारे गुंडे, बहुत सारी अजियत पहुंचाने वाले, बहुत सारे तकलीफ पहुंचाने वाले उन बड़ों का सर पर हाथ होने की वजह से करीब नहीं आते। और जब वो बड़े उठ जाते हैं या बड़े रूठ जाते हैं या छोटे बड़े से कट जाते हैं, तो समाजी गुंडों को, मुआशरे में रहने वाले गलीज आदमियों को मौका मिल जाता है कि इसको प्रति कटी हुई पतंग बना करके जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल करें। ये मामला हमारा दुनिया में भी है और दीन में भी यही है। जब तक हम दीन के सिलसिले में उलमा से जुड़े रहेंगे और उलमा की रहनुमाई हम जिंदगी गुजारते रहेंगे, तो शैतान हमारे ऊपर हावी नहीं होगा और बातिल फिरके हमारे ऊपर हावी नहीं होंगे, नफ्स हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, इसलिए कि हमारे ऊपर अच्छे समझदार माहिरीन इल्म उलमा का हमारे सरों पर हाथ है, उनकी रहनुमाई है, उनकी रहबरी में हम चल रहे हैं। तो शैतान हमारे ऊपर वार करते हुए 100 बार सोचेगा, इसलिए कि हमारे ऊपर हमारे बड़े मौजूद हैं। और जब हम अपने बड़ों से कट जाते हैं, उलमा से दूर हो जाते हैं, दीनी रहनुमाओं से अपने आप को काट लेते हैं, तो फिर समाज में पाए जाने वाले 100 तरीके के फिरके जाल्ला वाले, यहूदियत आपके ऊपर आपको उचक लेगी, ईसाइयत आपके ऊपर कब्जा कर लेगी, शिर्क आपके ऊपर गालिब आ जाएगा, बददीनी आपके ऊपर गालिब आकर के आपके ईमान को सलब कर लेगी। इसलिए अगर दुनियावी एतबार से भी अमान चाहते हैं, सुकून और इत्मीनान चाहते हैं, तो अपने बड़ों के साए में रहें, उनकी सरपरस्ती में रहें, उनका दस्ते शफकत अपने साथ लगाए रहें। और अगर दीनी एतबार से भी हम अमान चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, ईमान की हिफाजत चाहते हैं, तो सही और अच्छे उलमा की निगरानी में रहें, अपने आप को उनसे जोड़े रखें। जहां उनसे हम कट गए तो याद रखें ऐसे ही कुछ लोग आएंगे जैसे ये दो परिंदे आए और ये तमाम को उचक लिया, हजम कर लिया, हमें भी एक दिन उचक लेंगे और हमारे ईमान को भी वो सलब कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। अगर हम अपनी ईमान और दुनिया दोनों की हिफाजत चाहते हैं, तो बड़ों के साए में, उनकी छतरी में, उनकी सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में हमें रहना ज़रूरी है, तभी हम महफूज रह सकते हैं,
ورنہ ہماری حفاظت کا راستہ نہ مالی حفاظت حاصل ہوگی، نہ جانی حفاظت حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ ایمانی حفاظت۔ تمام طرف سے ڈاکو ہمارے اوپر حملہ کریں گے، اور پھر ایمان اور دنیا دونوں کے سلب اور خاتمے کا ہمارا ذریعہ بن جائیں گے۔ بہت بڑا سبق اس ویڈیو کے ذریعے مجھے ملا، اس لیے میں نے بھی آپ کی خدمت میں شیئر کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔